स्वयं भाई आप सवाल उठाएं तो जवाब तो सुन लीजिए। अब मैं जवाब तो सुन लीजिए। स्वयं भाई सवाल उठाएं जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। 30 सेकंड में जवाब आ जाएगा। 30 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा बोल लेने दीजिए 30 सेकंड, फिर आप सवाल बोलेंगे। 30 सेकंड के बाद आपको सुनना पड़ेगा। मैं बर्बाद कर रहे हैं। 30 सेकंड के बाद सुनना पड़ेगा। बोलिए सुनिए। 85,000 रुपया प्रत्येक दुर्गा पूजा पंडलों को दिया गया। वो विसर्जन भी होती है। ये जिस बात की, जिस चीज का बार बार एक बार एक लेके दिखाएंगे, 2013 का एक ऑर्डर उसको बार बार दिखाएंगे। वो उस समय में जब नई नई सरकार बनी थी उस समय एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट में। सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। वो कहीं पर्टिकुलर एक जगह में एक जिले में हुआ था, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट। तो ऐसा कहीं भी क्या गुजरात? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप गुजरात मत जाइए, आप गुजरात मत जाइए। आपने बोल दिया स्वयं भाई, अब आप सुन, नहीं दिस इज नॉट फेयर। आपने 30 सेकंड मांगे तो 30 सेकंड हो गए। अब शहजाद का टर्न है। शहजाद नाउ योर टर्न। उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि 2013 में एक बार हुआ था, नई नई सरकार थी, चलिए मान लेते हैं। 2017 की रिपोर्ट है, फिर से एक बार दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा पर रोक लगी। हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, फिर भी ममता बनर्जी ने रोक रखी, फिर हाई कोर्ट को फिर से इंटरवीन करना पड़ा। 2017 की रिपोर्ट है, गूगल करके चेक कर लीजिए। दूसरी बात, क्या ये सच है कि नहीं, सीएए में आने वाले प्रताड़ित हिंदुओं के लिए ममता दीदी ने कहा नो एंट्री, और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें कहा कि मेरे लिए वेलकम है, ग्रीन कार्पेट है। बांग्लादेश की सरकार के लोगों ने बयान दिया, छोड़ देते उस बात को। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि रामनवमी पे जब हमले हुए तो हमले करने वालों को क्या क्लीन चिट दिया गया बोलकर कि ये लोग इफ्तार और रोजा करने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते। एक समुदाय के लिए इतना बड़ा क्लीन चिट क्यों दे दिया गया पूरे समुदाय को? और जय श्री राम बोलने वाले लोगों को तो अरेस्ट कर दिया गया। और चौथी और आखिरी बात, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए, कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, शाहजहां शेख को ऐसा बचाया कि सुप्रीम कोर्ट तक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां में ऐसा क्या स्पेशल है कि हिंदू महिलाओं के बलात्कारियों को इतना बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आ रही है। मैंने इसमें से कौन सी झूठ बात बोली बताइए? बोलिए स्वयं पुरोहित न्यूटन, जल्दी फिर आऊंगा प्रोफेसर चट्टोपाध्याय के पास। सबसे पहले संदेश खाली के मुद्दे पर आता हूँ कि चुनाव के दौरान ही वहां की महिलाओं ने क्लियर कहा 2,000-5,000 रुपया देके झूठी एफआईआर करवाई भारतीय जनता। क्या बात कर रहे हैं, महिला झूठी एफआईआर कराएंगी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई, आज तक एक भी एक महिला, बंगाली महिला पे आरोप, बंगाली हिंदू महिलाओं पर यह आरोप कि 5,000 रुपया लेकर वो झूठा आरोप लगाएंगी, शर्मनाक बयान है, शर्मनाक है ये। नहीं गौरव जी, बंगाल की हिंदू महिलाओं के स्वाभिमान पर चोट किया है। अब कौन से मदरसे की बात, मदरसे में पढ़ो भाई, इस प्रकार की बातें होंगी क्या? अरे स्वयं पुरोहित नाम है उनका। नहीं स्वयं पुरोहित है पर नाम काम कैसा है भाई? ये जिहादी वाला काम करोगे क्या? आपने बंगाल की हिंदू महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी की है, 5,000 रुपए लेकर वो आरोप लगाती है। तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, हम लोगों की मेरी मजबूरी नहीं है। नहीं तुम तड़ाक पे तो बिल्कुल मत आइए। देखिए नहीं 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 स्वयं भाई, स्वयं भाई आप लोगों से अपील है, पर्सनल टारगेट नहीं और तुम तड़ाक पे नहीं, डिबेट के मुद्दे पर रहते हैं। आपको जो कहना कहिए लेकिन संसदीय भाषा नहीं, तुम तड़ाक नहीं, बस मुद्दे पर रहते हैं। शाहजहां के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, बंगाल की सरकार को शाहजहां को क्यों बचा रहे हो? अच्छा रुके रुके स्वयं भाई, स्वयं पुरोहित जी रुके, स्वयं पुरोहित जी रुके रुके, सजाद रुके, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय एक मिनट, अभी अभी आप लोग आपस में लड़ लेते फिर कहते मेरा जवाब नहीं हुआ। बोल दीजिए। अच्छा 30 सेकंड है, फिर प्रोफेसर चट्टोपाध्याय पहले बोल दीजिए, स्वयं पुरोहित बोल दीजिए, स्वयं पुरोहित नहीं प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, स्वयं पुरोहित 30 सेकंड, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय होल्ड ऑन सर, स्वयं पुरोहित बोलेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड प्रोफेसर चट्टोपाध्याय की आवाज बंद करिए, रुकिए स्वयं पुरोहित 30 सेकंड बोलिए, बोले 30 सेकंड प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, रुके 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 सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो उन तक मेरी आवाज पहुंचाइए। नाटी के बारे में देखिए, हमें सीए का विरोध नहीं था, हमने किया था कि अगर पश्चिम बंगाल का अगर कोई भी नागरिक जिसके पास में आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर कार्ड दिया है, जिसके वोट से सरकार आप चुन करके आते हैं, अगर आप उनको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे तो ये हम नहीं, कहां से आ रहे थे अभी हम नहीं हो रहे की बात की किस बात का सवाल है ये बताइए। लेकिन बंगाल का पॉलिटिक्स के लिए है, क्योंकि तृणमूल क्या चाहते हैं, बंगाली सेंटीमेंट को थोड़ा आप अपनी झोली में रखते हैं, और उसके पास बीजेपी क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू हिंदू जागो हिंदू, ये क्राइसिस पर है। एवरी टाइम दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिंदू, नॉट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द सिटीजन ऑफ बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल क्या होगा, उत्तर वेस्ट बंगाल और दक्षिण वेस्ट बंगाल, सुकांत जी ने वो अच्छा, सीपीएम क्या चाहती है सर मुझे ये बताइए, लेफ्ट क्या चाहती है,
लेफ्ट चाहती है जो सुगंधा मजूमदार कह रहे हैं बंटवारा हो या ना हो, आप चाहते हैं बंटवारा हो या ना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, बजट में कोई है क्या नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो और पॉवर्टी को दूर करो, ये बंगाल का मुद्दा है क्या? नहीं नहीं, वो तो पूरे देश का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो पूरे देश का मुद्दा, मैं पूछ रहा हूँ नॉर्थ बंगाल को वेस्ट बंगाल से अलग करने का जो मुद्दा उठा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं ये अच्छी बात नहीं, एक मिनट को बोलने दीजिए, नहीं है, हाँ? ये पॉलिटिक्स है, ये थोड़ा घिन्न पॉलिटिक्स है, we have to reject this kind of politics, okay. we have to reject, okay. तो आप जो गौतम दादा, जो गौतम दादा कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब जो गौतम दादा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब विधानसभा चुनाव के लिए ये सब कुछ बेस बनाया जा रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं? ऑब्वियसली ये रामनवमी एक पॉलिटिकल इशू हो गया, रामनवमी पॉलिटिकल इशू है, किसी और धन के पद को नहीं बोला जाता, तेलंगाना में आपने दे दिया 33 करोड़ रुपए रमजान के लिए, वो पॉलिटिकल नहीं है, मदरसा को 5,000 करोड़ दिया वो पॉलिटिकल नहीं है, तेलंगाना में 1,000 करोड़ दे दिए वो पॉलिटिकल नहीं है, रामनवमी पर हमला ना हो वो पॉलिटिकल है, रामनवमी पर हमला ना हो ये पॉलिटिकल है, हमला पे टोपी लगा के स्टेट इंफार्म में जाना वो पॉलिटिकल नहीं है, एनवायरमेंट है, यही तो कल अभी तक चल रहा है, प्रीवियसली इट वाज रामनवमी, प्रोफेसर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट